हमारी किसी भी कथा में, किसी भी प्रकार के दरबार में कथा के नाम पर या आयोजकों को किसी भी प्रकार का चंदा देने की आवश्यकता नहीं है। कोई अगर श्रद्धा से देता है तो बात अलग है, लेकिन किसी भी कथा में या हमारे पास आने के लिए, डी में बैठने के लिए, पास पाने के लिए या कार्ड बनवाने के लिए बागेश्वर समिति या हम किसी को भी धन लेने की आज्ञा नहीं देते हैं। अगर आप देंगे तो इसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। दरबार कथा निशुल्क थी, है, जब तक प्राण रहेंगे तब तक निशुल्क रहेगा। किसी भी फ्रॉडगिरी में ना पड़े। यहां की कथा में भी पार्किंग, भंडारा हमारे बटुक जी और दोनों यजमान रूप से भूमिका निभा रहे हैं, टंडन जी और शर्मा जी, और पूरे अन्य यजमान जितने बने हैं पूरा विदिशा, इन लोगों ने खूब मेहनत की है। एक बार इनके इस आयोजन के लिए, भव्यता के लिए ताली बजाकर इनको धन्यवाद दीजिएगा। और एक बार, कोई भी शुल्क फीस नहीं देना है। दरबार निःशुल्क था, निःशुल्क है और निःशुल्क ही रहेगा। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे, भारत का पहला ऐसा दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है जहां अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, भंडारा निःशुल्क, और आने वाली चढ़ोत्री से हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। और इस वर्ष तो 2024 में, अगले साल 2024 में 8 मार्च को 151 बेटियों का विवाह करवाएंगे। और रुकिए, अगर बालाजी की कृपा रही, अभी ये घोषणा तो नहीं पर बता देते हैं, हमारे मन में चल रहा है, अभी तो जेब बहुत ढीली है, कर्जा में है हनुमान जी की गाड़ी, लेकिन गाड़ी थोड़ी सी अगर स्पीड पकड़ेगी तो प्रत्येक बेटी को एक एक मोटरसाइकिल देंगे। हाँ, ये हमने ठान लिया है और हम ये करके ही मानेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और बागेश्वर धाम एक ऐसा दरबार है जहां 2029 तक कैंसर हॉस्पिटल का भी निर्माण करवाया जाएगा। अब बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के लोगों को मुंबई भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर यही व्यवस्था, बागेश्वर धाम पर दुआ भी मिलेगी और दवा भी मिलेगी।